प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दे दिया गया है, धीरे धीरे अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजस्थान कॉलेज में पोलिंग बूथ की पार्टियों की जो पोलिंग बूथ पर जो पार्टियां रवाना होगी, जैसे जैसे तैयारी हो रही है वैसे वैसे यहां से पोलिंग बूथ के लिए बसों में पार्टी रवाना हो रही है। जिस प्रकार आप जो राजस्थान कॉलेज का जो दृश्य देख रहे हो, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो बसें तैनात है, धीरे धीरे यह बसें जैसे जैसे टाइमिंग के अनुसार जो इनका निर्धारित समय है उस समय के अनुसार यहाँ से जो पोलिंग बूथ पर जो गाड़ियाँ जाएगी, जो बसें जाएगी, वो धीरे धीरे यहाँ से रवाना हो रही है। जिस प्रकार यहाँ से जयपुर में 5 विधानसभा सीटों का यहाँ पर जो जो कार्यक्रम है वो निश्चित है, जिस प्रकार हम आपको बताएंगे कि किशनपोल विधानसभा का, आदर्श नगर विधानसभा, हवामहल, सांगानेर और बगरू विधानसभा का यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिस प्रकार अभी यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी है सांगानेर के आला अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिस प्रकार जैसे जैसे धीरे धीरे बसें यहाँ से रवाना होती जा रही है, हम लगातार यहाँ पर लोकसभा चुनाव की जो कवरेज है हम आपको यहाँ दिखाते जाएंगे। जयपुर की जो जो समीकरण बनते बिगड़ते हैं वो भी हम आप तक दिखाते जाएंगे। देश का पर्व लोकतंत्र का गर्व, इसी के साथ राजस्थान में लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ था। देश में भी इसी थम लेन के साथ लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ था, लेकिन राजस्थान में प्रथम चरण के चुनाव का मतदान कल है, यानी 19 अप्रैल को राजस्थान में 12 लोकसभा सीटों पर कल मतदान है। और जिस जगह हम खड़े हैं वो है राजस्थान विश्वविद्यालय, जहां पर जो पोलिंग पार्टी पर जो कार्यकर्ता जाएंगे, जो कर्मचारी जाएंगे, उनको यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। किस प्रकार जयपुर की जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं पर इन्हें ट्रेनिंग देकर किस प्रकार भेजा जाएगा, वहां पर क्या क्या व्यवस्था रहेगी, कैसे क्या पोलिंग बूथ पर व्यवस्था करनी है, लगातार इनकी यहां से ट्रेनिंग दी जा रही है। और यहां से जो पोलिंग पार्टियां हैं, जो बसें हैं, वो भी रवाना की जा रही है। हम यहां पर कर्मचारी से बात करेंगे। मैडम, किस प्रकार की यहां पर व्यवस्थाएं की जा रही है, जैसे सांगानेर विधानसभा पर आप? हाँ, व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पानी वगैरह का व्यवस्था और छाया का, लेकिन कुल मिला के हम कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं काफी ठीक है। कल प्रथम चरण का मतदान है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है पोलिंग बूथों पर? आई थिंक व्यवस्थाएं काफी ठीक हैं, और जो बूथ वाइज जो है पोलिंग बूथ वाइज रो बनाई गई हैं, और सामान यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और बसों की व्यवस्था की गई है, और अभी हम कुछ समय बाद ही जो है वो बस से अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगे। अक्सर देखा जाता है कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है ईवीएम मशीन में, अगर ईवीएम मशीन में अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है क्या वैकल्पिक प्रावधान किए गए? वो तो वहाँ जाने के ऊपर पता चलेगा, लेकिन इस तरह का है कि अगर किसी भी मशीन में कोई खराबी आ जाती है तो उसको चेंज करने की व्यवस्था रहेगी रिप्लेसमेंट के लिए। कौन सा सांगानेर? इनको सांगानेर बूथ दिया गया है, जिसमें बता रहे हैं कि अगर वहाँ पर व्यवस्थाएं, वहाँ जाने के बाद ही पता लगेगा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं दी गई। यहाँ पर हमारे को उचित सामान दिया गया है जो वहाँ पर हम ले जाकर, और वहाँ पर जो बूथ है वहाँ पर हम सहसंयोजित काम कार्य करेंगे, और भी हम यहाँ पर बात करेंगे। जिस प्रकार हाथों में पर्चियाँ ले रखे, सर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? कल प्रथम चरण का मतदान है राजस्थान में, काफी उत्साह देखा जा रहा है मतदाताओं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। मतदान केंद्र पर क्या व्यवस्थाएं हैं? अब मतदान केंद्र पर हम पहुंचेंगे, वहां जाने के बाद हम व्यवस्थाएं देखेंगे, वैसे अच्छी मिलनी चाहिए। कौन सा केंद्र है? हमारा बूथ संख्या 115 टैगोर पब्लिक स्कूल मानसरोवर अग्रवाल फार्म जयपुर। जी, अक्सर यहाँ पर जयपुर में ही जो ये केंद्र है, और यहाँ पर जयपुर के आसपास ही जो विधानसभा है वहाँ पर भेजा जा रहा है। हम और भी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये काफी संख्या में यहाँ पर कर्मचारी है, इन्हें अलग अलग इनका बूथ दिया गया है। सर कौन सा बूथ है आपका? 66 नंबर। बिल्कुल, सांगानेर सर। क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे क्या? बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है सर, सामान वगैरह देने में सब सुविधा है, बहुत ही आरामदायक तरीके से सामान वगैरह व्यवस्थित तरीके से मिल रहा है सर। अक्सर देखा जाता है कि ईवीएम मशीन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल सर, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या विकल्प है सर? उसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास एक्स्ट्रा मशीन वगैरह होती है, वो उपलब्ध करवा देते हैं। जी, यानी कल महज कुछ ही समय बचा है, कल 12 लोकसभा सीटों पर मतदान है, 144 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। खैर, अब देखना होगा कि जो कल जो ईवीएम की पेटियां हैं उनमें 144 उम्मीदवारों का भाग्य कैद हो जाएगा, जिसमें जो हॉट सीट बनी है राजस्थान की राजधानी जयपुर लोकसभा की दोनों सीटें, क्योंकि जयपुर ग्रामीण भी है, जयपुर शहर भी है। जयपुर शहर से भाजपा के प्रत्याशी मंजू शर्मा है। मंजू शर्मा जो भाजपा के राजनीतिज्ञ थे, दिग्गज नेता थे, भवनलाल शर्मा उनकी बेटी है, और जयपुर ग्रामीण भाजपा का एक तरह से गढ़ भी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस के उम्मीदवार, हालांकि उन्होंने टिकट लेने से इनकार भी कर दिया था, लेकिन
कांग्रेस के केंद्र नेतृत्व ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन नामांकन सब नामांकन भरने के बाद ही उन्होंने अपनी हार तो स्वीकार कर ली थी, लेकिन धीरे धीरे जनता के बीच गए तो बाबा श्याम का हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा उसी को साथ लेकर लोगों में प्रचार किया और श्याम के भरोसे ही उन्होंने लोगों में प्रचार किया। लेकिन जयपुर ग्रामीण जो सीट है वो भी एक हॉट सीट बन गई है, क्योंकि वहाँ पर भाजपा के भी नेता है, दो से तीन बार विधायक रहे हैं और अब लोकसभा में उन्हें अपना भाग्य आजमा के लिए भाजपा उन्हें अपना उम्मीदवार बनाई है। लेकिन कांग्रेस के युवा नेता है, छात्र राजनीति से निकलकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और सचिन पायलट के बहुत बहुत करीबी माने जाते हैं। हालांकि सचिन पायलट ने लगभग 4 से 5 सवाए भी किए अपने करीबी को जिताने के लिए और जनता भी उनके तरफ काफ़ी रुझान दिखा रही है। लेकिन खैर अब देखना होगा, कल इनका भाग्य पेटियों में कैद हो जाएगा। जो जयपुर ग्रामीण की जो हॉट सीट बनी है वो भी उसका भी भाग्य जो अनिल चोपड़ा है उसका भी भाग्य पेटियों में कैद हो जाएगा, क्योंकि जनता उसे ही चुनेगी जो जनता के लिए काम करेगा। अक्सर हम और भी यहाँ पर कर्मचारी से बात करेंगे जो पोलिंग बूथों पर जाएंगे। सर कल प्रथम चरण का मतदान है 12 सीटों पर, कैसे क्या देखते हो आप? बहुत बढ़िया है कर्मचारियों के हिसाब से और देश के हिसाब से बहुत बढ़िया है। हमारा बूथ 1675 नंबर है, विधानसभा हमारा सांगानेर 55 है, कल्याणपुरा में आया है हमारा। ये सांगानेर ये सांगानेर का है, बगरूस तरफ है, अलग अलग विधानसभा से जी। यहाँ पर अलग अलग विधानसभा के हिसाब से इन कर्मचारियों को डिवाइड किया गया है, इधर सांगानेर है इधर बगरू है। खैर अब देखना होगा कि कल महज कुछ ही समय बचाए लोकसभा चुनाव के लिए, प्रथम चरण चुनाव के लिए, और जनता भी काफी उत्साहित है क्योंकि कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान है। द नगरी न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में महज कुछ ही समय शेष बचा है, ऐसे में राजस्थान कॉलेज से पोलिंग पार्टियों की जो रवानगी है वो भी लगातार जारी है। हमारे साथ पुलिस के आला अधिकारी है, हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ व्यवस्था है। सर क्या कुछ व्यवस्था की गई कल जो चुनाव है? देखिए ये राजस्थान कॉलेज से दो पारियों में जो हमारी पोलिंग पार्टीज हैं उनको रवाना किया गया है। पहले 7 से 11 वाला जो पहला फेज था उसमें रवाना किया है और अभी जो सेकंड फेज है 11 से 2 बजे वाला उसमें पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जा रहा है। तो अभी सांगानेर, मालवीय नगर और आदर्श नगर की जो पोलिंग पार्टीज हैं उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। इसमें जो पोलिंग पार्टीज हैं उनका प्रशिक्षण भी किया गया है, उनकी ब्रीफिंग भी की गई है और उसके बाद इनको अपने अपने जो भी मतदान स्थल है उनके लिए रवाना किया जा रहा है। सर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि ये सांगानेर जो विधानसभा है उसका क्षेत्र देख रहे हैं आप, तो इसमें कितने बूथें लग रहे हैं? देखिए जैसे मेरे पास में ईस्ट का इलाका है तो सांगानेर में भी ईस्ट भी साउथ भी दोनों जिलों का जो एरिया है जो लगता है, बाकी मालवीय नगर में भी ईस्ट का और साउथ का एरिया लगता है। तो जो भी पुलिस मुख्यालय के निर्देश थे डिप्लॉयमेंट को लेके, चाहे वो होमगार्ड का डिप्लॉयमेंट हो, चाहे पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो, चाहे OCAPF का डिप्लॉयमेंट हो, तो उन निर्देशों के अनुसार हम लोग का डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहाँ से कितनी विधानसभाओं की जो रवानगी है पार्टी बूथों पर, कितनी विधानसभाओं की रवानगी? देखिए 3 विधानसभाओं को तो अभी यहाँ से रवानगी हो रही है, आदर्श नगर, मालवीय नगर और सांगानेर, और सुबह भी यहाँ से किशन पोल और जो 2-3 यहाँ की आसपास वाली विधानसभा है उनका यहाँ से रवानगी हुई है। क्वेश्चन है कि जो EVM मशीन है उसमें वोट के समय टेक्निकल इश्यू आ जाता है जिससे वोट जो डालने में काफ़ी देर हो जाती है, अगर वो टेक्निकल इश्यू आता है उसके लिए क्या विकल्प किया गया है कि ताकि उसमें देर हो? वो देखिए हमसे संबंधित वो नहीं है विषय, हम लोग के तो सिक्योरिटी और डिप्लोमेट वाला इशू है, वो आपको जो प्रशासन वाले लोग हैं वो बताएंगे उसके बारे में। मतदान को लेकर आप जयपुर की जनता को क्या आदेश या वो सूचना देना चाहोगे? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि मतदान देना सब लोग का अधिकार है, आप अपने इस अधिकार का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में पार्टिसिपेट करें। थैंक यू जी। मतदान देना सभी का अधिकार है, यही अपील ये जो जनता से द नगरी मीडिया भी करता है, क्योंकि पहले मतदान करें फिर जलपान करें, यही जो थीम है लगातार मुहिम में चलती आ रही है। EVM मशीन है उन्हें भी यहाँ पर डेमो के लिए बताया गया है कि जिस प्रकार किसी कर्मचारी को किसी बूथ पर जाने वाले को किसी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर वो एक बार यहाँ पर देखकर और फिर जाए। हम यहाँ पर जो मौजूद है उनसे बात करेंगे। सर किस क्यों रखी गई है? सर ये जैसे किसी को कोई समस्या आती है भाई, कोई भी प्रॉब्लम, कोई टेक्निकल एरर आता है, कुछ भी आता है, उस प्रकार की किस प्रकार से इसको सीलिंग की जानी है या कैसे मॉक पोल किया जाना है, तो ये चीजें बताने के लिए यहाँ पे रख रखी है। तो ये केवल डेमो के लिए
डेमो के लिए ओनली, मतलब किसी को भी कोई समस्या है ना ईवीएम से संबंधित तो वो बताने के लिए है सर। जनरली जैसे इसको किस प्रकार से कनेक्ट करना है, इसको किस प्रकार से सीलिंग करनी है, अदरवाइज टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर वो प्रॉब्लम आती है तो किस प्रकार से वहाँ पर वो वहाँ पे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह है, मास्टर ट्रेनर वगैरह है ना, वो जाके वहाँ पे जो भी सॉल्यूशन होता है ना वो करते हैं। अगर इसी में सॉल्यूशन आता है फिर मशीन को चेंज करनी पड़ती है? नहीं, कई बार मशीन भी चेंज करनी पड़ती है, कई बार वही मशीन भी सही हो जाती है, वही वो नहीं। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं दीपेंद्र कुमार, द नगरी न्यूज, जयपुर।